स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए इसे डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। काबुल की बाहरी हिस्से में हालात ऐसे हैं, यहाँ रोजाना 500 कैंप बन रहे हैं। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में से भागे प्रवासी यहाँ भारी तादाद में आ रहे हैं। लोग किसी तरह जान बचा करके आ रहे हैं, तो लेकिन शेल्टर होम्स में न पीने लायक पानी है और न पर्याप्त खाने का सामान। कुल मिलाकर के इन कैंपों में रहने लायक कुछ भी नहीं है, सिवाय इस तसल्ली के कि फिलहाल यहाँ जिंदगी कुछ दिनों तक सुरक्षित है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से चल रहा है। इसी बीच एक नई रिसर्च में पता चला है कि फ्लू की वैक्सीन के कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, फ्लू की वैक्सीन स्ट्रोक, डीप वेन, थ्रॉम्बोसिस यानी खून के थक्के जमने और सेप्सिस का खतरा भी घटाती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इस सैटेलाइट से हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 5:43 उड़ान तो भरी, लेकिन तय समय से कुछ सेकंड पहले तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आने से यह ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त से ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस समय अहम खिलाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी समस्याएं झेल रही हैं, लिहाजा दूसरे टेस्ट के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों के प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टीम इंडिया को बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही नंबर 3, 4 और 5 बल्लेबाजों की खराब फॉर्म भी भारतीय खेमे के लिए चिंता का विषय है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से लॉर्ड्स के मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले मेजबान इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड चोट के चलते हुए टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ब्रॉड काफ इंजरी के कारण भारत के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।